वो अपना पूरा करने वाले हैं तो वो अपना पूर्ण नाम जो आपको सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, आपको लगता है ऐसा हो मेरा नाम, वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया अपने ग्रुप पर पोस्ट कर, क्योंकि आई हैव टू गेट इट प्रिंटेड फ्रॉम पूना, आई डोंट राइट इन हैंड, तो मुझे पहले ही 15 दिन उसको प्रिंट करके रेडी करके लाना पड़ेगा, तो आपको करना है। अब जो लोग रिसेंटली ज्वाइन हुए, जो लोग 3 महीने में ज्वाइन हुए, जरा हाथ ऊपर करें, लास्ट 3 मंथ्स दे हैव ज्वाइन, हाथ ताट पर कर रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक हाथ में ना, पण म्हणजे बरेच हे कसं पहिल्यापासून आहे तसे तू पहिल्यापासून आहे, तो इनका क्या किया जाए, इनका तो सर्टिफिकेशन अभी नहीं हो सकता, अगले 2019 में होगा सर्टिफिकेशन। तो अभी आपको अब दो तरह से प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि आई एम प्लानिंग सिमिलर प्रोग्राम इन ठाणे फॉर ठाणा ग्रुप। तो एक ऑप्शन है कि आप ठाणा ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, यू कैन कमेंट कंटिन्यू देयर, यहाँ आप करते हो आपको मुलुंड सही है, तो आपको तुमको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और यहाँ से अगर अंधेरी से तुमको डायरेक्ट ठाणा, और अगर somebody comes with me, मैं कार से ही जाऊंगा, तो 3-4 लोगों को मैं साथ में भी लेके जाऊंगा, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको जाना है, और जैसे कि उसने पहले से कोर्स किया है लेकिन फिर भी ही वांट टू जॉइन एट ठाणा ग्रुप, ही आल्सो वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जस्ट अगेन कीप रिपीट, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से तो कार से जाऊंगा और 4 लोग तो साथ में लेके जाऊंगा, मतलब तुला तुला यायचं तर तू इथे ये आणि आपण इकडनं जायचं, मी पुन्हा कांदिवलीला ना इथून तू घरी जा, म्हणजे तुमची जाण्याची सोय तशी होणार त्याच्यामध्ये, प्रिफरेबली ये जो फर्स्ट संडे है ना हमारा, वो फर्स्ट संडे ठाणा प्रोग्राम के लिए मैं रखने वाला, रखने की मुझे मेरी एक नियोजन में रहा, ताकि उनका मजा आता है तो नहीं, जेव्हा सुरू होईल आपले पूर्ण होणार 12वा, मे बी 13वा पण होणार आपला, 13वा म्हणजे अगर 13 कोई नहीं हमारा नहीं पूरा होगा, तो फिर से एक बार ना, फिर से एक बार करना पड़ेगा हमको, टेंटेटिवली जून ही आना ना, हाँ, वो तो जून का पहला संडे ही होने वाला है वो उनका, और वैसा ही मैंने डिक्लेयर किया है जून का, क्योंकि मैंने अपना कोर्स अगर पूरा नहीं हो तो दूसरा शुरू करने के में कोई मजा नहीं है, हो सकता है आप बोलो नहीं हमको एक संडे और चाहिए, बोला प्रैक्टिस के लिए, बोला डिस्कशन के लिए, या कोई रेसिपीज के लिए, एनी फॉर, मैंने एक क्वेश्चन रखा है, जैसे कॉलेज में ना एक्स्ट्रा पीरियड्स रहते थे ना, नहीं पोर्शन पूरा हुआ, कोई छुट्टी है, कोई स्ट्राइक है, क्रैश कोर्स तो एक पूरा हो जाए, तो उनका प्रोग्राम जून के पहले वीक से होने वाला है। अब आपका जो पार्ट बी है आप लोगों का, वो एक्सटेंडेड है पहले लोगों का, वो तो एक साल में पूरा होना था, तो उनके लिए मैं संडे इवनिंग तो नहीं रख सकता, लेकिन उनके लिए संडे मॉर्निंग या सैटरडे इवनिंग रख सकता हूँ यहाँ, अगर आप चाहो तो, लेकिन संडे इवनिंग में उनको देने वाला हूँ पहले संडे की, फर्स्ट संडे के लिए, मैं वही बोल रहा हूँ सैटरडे इवनिंग कर सकते हैं हम, नहीं कला नहीं करता, आई नो कि सैटरडे इवनिंग इज डिफिकल्ट, संडे फर्स्ट है वो, दूसरा कुठला संडे आपण सगळे, नाही मी मुंबई साठी एकच दिवस ठेवला ठाणा मुंबई साठी, एक कर सकते हैं हम फिक्स नहीं करें ना तो पॉसिबल है ये, वी विल जस्ट डिसाइड एंड मीट संडे को ही, दूसरा संडे मैं घर पे हूँ तो हम करेंगे, अब उसमें क्या होगा ना, किसी को कन्वीनियंस होगा नहीं, एक बार तय करेंगे ना तो बात अलग है, लेकिन वो तय नहीं होगा। अब दूसरा तुम्हारा जो सेकंड राउंड है ना इज ओनली बायोकेमिस्ट्री, उसमें दूसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, एडवांस कोर्स ओनली टेक्निकल, उसमें बाकी कोई रेसिपी की चर्चा नहीं होगी, उसमें कोई कुछ चर्चा, धन्वंतरी योग नहीं, ट्रैक्शन नहीं, ओनली केमिस्ट्री एंड ओनली केमिस्ट्री, टांग तुझा, मी ते लिहून दिलेले तुम्हाला नाही वाचता होते तुम्हाला, एक साल नाही तुम पढ़ सके हो, और मुझे मालूम है कि जब मैं भी पढ़ता हूँ ना, जस्ट बिकॉज मेरी केमिस्ट्री मेरा बेसिक सब्जेक्ट इसलिए मैं समझता हूँ, वो मुश्किल है, लेकिन मैंने जो वीडियोस सिलेक्ट किए हैं ना वो एक दो बार देखो अपने तो बिल्कुल आप समझ जाओगे। वीडियोस ऐकणं बस एवढं एकच स्वरूप आहे, कॉमन आम्हाला समजेल ना ज्यांना केमिस्ट्रीचं एवढं नॉलेज, त्याच्यासाठीच मी केले ते सिंपल सिंपल व्हिडिओ धुंधून गेले, हां
चुन चुन के ये, क्योंकि क्या है ना, वो वीडियो बनाने वाले व्यक्ति वो किसके लिए बना रहा है उसके मन में कोई आइडिया है, तो ही हैज क्रिएटेड ए वीडियो फॉर सर्टन ग्रुप, यू आर नॉट दैट ग्रुप ना, तो मुझे देखना पड़ता है कि ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्या। तो इट्स रियली इजी है, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह सब एकदम सिंपल। अरे थी पर कंपनी से पूछत जा दीजिए, आई एम आल्सो अ फॉर्मस पर्सन, तो वो आपको करना है। एक्चुअली मैं रविवार को मॉर्निंग में रख सकता हूँ, लेकिन रविवार मॉर्निंग को मेरा जनरल मीटिंग होता है ना, तो न्यूकमर्स है उनके लिए मैंने रखा है, इसलिए मैं रविवार को मॉर्निंग में भी नहीं रख सकता हूँ। तो आपका कैसे करेंगे, या फिर दो महीने में एक बार करेंगे, ऐसा कुछ करना? दर महिना ला पाहिजे असते स्टडी, पण तुमचा कंटिन्यू राहतो ना, जो पोर्शन थांबणार आहे तो तुमचा दोन्ही आता कंबाइंड चालणार आहे ना, जे आम्ही मिस केले ते तिकडे रेग्युलरच चालणार आहे ना, हो हे जे मिस केले आता तिथे ते रेग्युलरच होणार आहे, मग तुम्ही ठाण्याला येऊ शकतात। नाही माझं तेच म्हणणं आहे, मला तेच म्हणायचं, एका ठिकाणी होऊ शकेल। हाँ एक हो सकता है कि आप थाना में वो कंटिन्यू कर, क्योंकि थाना में एवरी मंथ वो जो तीन वीडियोस पर चर्चा होगी ना, जो आपकी साल भर चलेगी, वो थाना ग्रुप के लिए मुझे एक साल में समेटना है ना पूरा कोर्स। पैदल है मोटी जागा भी हो ना, जागे लगा प्रश्न है। यहाँ से कौन कौन आने वाले, एक तू है अहमदाबाद, ही कम्स फ्रॉम अकोला, सो एट लीस्ट उसके सामने तो मत कहो मुझे यहाँ आने में प्रॉब्लम होता है। एनी हाउ इट इज अप टू मी, ट्रेन का प्रश्न नहीं है। एक बार में तुम्हारा पूरा कोर्स होना बाकी है ना, आपका कोर्स रहेगा ना, सुशी हैज टू अटेंड पर्सनली, इतना तो नहीं हो सकता। महीना नहीं कर दी, मैं यहाँ से जाऊंगा ती बोरीवलीला जॉइन हो सकते ना, मला पुन्हा बोरीवली ना, तू तिकडे जायला सम पडले एनी हाउ, बट ऍज शी सेड की ठाणाच करायला लागेल ना। नहीं नहीं आता दुसरा ग्रुप ठाण्याचा, 12 लोक तिकडे जाईल ना, नाही पण तो दिवस जातो ना माझा त्याच्यामध्ये, फक्त संडेच। हा माझ्याकडे संडेच, पहिला संडेच मुंबईसाठी ठेवला आहे, एक बात है उसमें, दुसरा संडे मैंने नाशिक के लिए रखा है, लेकिन नाशिक का प्रोग्राम नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि नाशिक का नहीं बनता है तो एक बन सकता है। मुझे 10 से 12 लोग अगर साथ में इकट्ठा होते तो दो चार लोगों के लिए तो नहीं, ए टू फार ना हे माइंड लेवल आता असं काही टू फार आणि जवळ असं काही नसतं, माइंड 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 माइंडचा गेम आहे, आणि त्याला उत्तर नसते या माइंडच्या गेम, माइंडचा गेम आहे, त्याचा त्यांनी सोडवला तरच तो होऊ शकतो, आपण दुसरा नाही अभ्यास करू शकत। हां एक करू शकतो आपण, आणि तुम्हाला मी धरलेलंच नाही त्याच्यामध्ये, आता त्या 10 मध्ये तुम्हाला धरलेलंच नाहीये, दे आर टोटली फ्रेश पीपल। लेट अस सी क्या होता है, कम से कम ये जो वीडियोस है, वीडियोस तुम सुनो एंड थ्रू वेबसाइट और थ्रू सम सिस्टम वी विल डिस्कस, कोई तरी टेक्निकली मला अपडेट करा ना, असं काही नाही यार, एकत्र ते मीटिंग अशी नाही होऊ शकत, काय स्काइप वरच एक साल से लोग मुझे बहुत कस के एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई ठोस की नहीं बताया कि ऐसा करो स्टेप बाय स्टेप, चैटिंग में टास्क
ऑडिओ आणि व्हिडिओ बंद ठेवायचा आणि यू विल डू द लेक्चरिंग अँड इन केस इफ दे वॉन्ट टू आन्सर आस्क क्वेश्चन्स देन वेन यू आस्क ना प्लीज एनीबडी हॅज क्वेश्चन दे हॅव टू जस्ट स्टार्ट दॅट ऑडिओ अँड दे गिव्ह किंवा चॅट करून घे बट एव्हरीबडी स्टार्ट टॉकिंग देन ना एव्हरीबडी एकानंतर एक मे बी ज्याला ऑन करेन पण तो जे बोलतो ते दुसऱ्या ऐकायला जातो आय आय एम युझिंग दॅट ठीक आहे आपण एक काम करूया मीटिंग संपली ना की आपण एक छोटस मला डेमो दाखवू त्याचा इफ दॅट इज सो देन यू विल वेलकम टू ठाणे ना तसं करूया सी इन दॅट केस इवन वी कॅन एनरोल पीपल आज नाशिकचे चार लोक आहेत चार लोकांसाठी मी जाणार नाही आणि मग ते म्हणतील तुम्ही कुठे त्यांना खरंच ठाण्याला शक्य आहे एकाची गाडी काढली नाशिक ठाणे अक्षरशः 2 तासात येतात आता इतका रोड क्लिअर आहे आणि काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे चौघ जण एका गाडीत ना मी सांगणार आहे त्यांना गाडी काढा नाही तिकडे काय प्रॉब्लेम आहे इनफॅक्ट आय टेल यू कांदिवलीचे ठाणा जाणार म्हणजे 1.5 घंटा लागेगा पावणे 2 घंटे मी अगर आहे ना फटाफट ट्रॅफिक मिळेगा नाही म्हणतो तो अच्छे से आएंगे ठाणे दिल्लीवाले साऊथ ईस्ट एशिया एव्हरीबडी इन दिस पण ठीक आहे आपण एक करूया मी तुम्हाला कोणाकडे जायचं जरूर नाही कम से कम एक ग्रुप साथ में मिलेंगे और बाकी जो स्प्लिंटर ग्रुप है वो इससे कनेक्ट करेंगे त्यांचा काही रेस्ट्रिक्शन असतो काही अर्धा तास असते मराठी शिकवतो इथून त्याला विचार ना सांग मला आणि प्रगती असणारच आहे प्रगती आहेच ना आपल्याकडे प्रगती आहेस आणि सपोज मानलं इफ इट कॉस्ट फॉर सम कॉस्ट यू विल शेअर द कॉस्ट उसमें क्या है जो करने वाले इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एंड कमिंग एंड गोइंग सर्टन टाइम अगर हम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस मिलेंगे और जो नहीं आ सकते वो अपने वहां से काम करेंगे एंड इनफैक्ट इफ दिस हैपेंस बहुत सारे और लोग भी जुड़ सकते हैं जो एक है लेडी शी इज फ्रॉम नागपुर नागपुर के पास रामटेक करके एक जगह रामटेक शी इज फ्रॉम रामटेक वो एक ही मेंबर है रामटेक में अब उसको क्या करेंगे तो उसको कुछ नहीं एंड शी इज करती है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी तो उसको शी नोज एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड हर टू नो तो वो बिल्कुल जुड़ सकते तो वो हो जाएगा तो एक ही हफ्ते में सारा फिर पुनः ग्रुप भी हम मिक्स कर सकते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल नाही ना आहेच 4 आठवडे 5 आठवडे 5 महिने झाले ना त्याचे तू पाठवलं आली होती ना शिबिरा पार्ट टू फॉर दिस पीपल इज ओनली व्हिडिओज और बाकी जो रेसिपीज है ना वो उनको करने हैं पहले वाले लोगों को सिर्फ टेस्टिंग करना है खाया है तुमने श्रीखंड काफी है पार्ट टू वाले लोगों को करना पड़ेगा श्रीकांत खुद से दो काम होगा वो नहीं होगा सगले इशू झाले आपले डिस्कस फाइनल एक बेगिंग आहे असं वाटतंय सर आपलं सब्जेक्टला ते राईस प्रोटीन आणि वे प्रोटीन मगाशी मला विचारलं तुम्हाला मैं किसको राईस प्रोटीन देता हूँ किसको वे प्रोटीन देता हूँ तो उसने कहा कि ये उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है डिसाइडिंग फैक्टर मात्र इतना है राइस प्रोटीन से इंसुलिन ज्यादा तेजी से सीक्रेट होता है कंपेयर टू वे प्रोटीन से इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है ज्यादा स्पीड में कंपेयर टू राइस प्रोटीन एंड वी प्रोटीन तो उसका इंसुलिन कितना है फास्टिंग उस पर वो डिपेंड है इफ इंसुलिन रेंज में है तो उसको वे प्रोटीन दे सकते हैं लेकिन इंसुलिन ज्यादा है उसका एक
दूसरी बात उसको मिल्क से कोई एलर्जी है क्योंकि ये वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, तो उसने अगर कंप्लेंट किया कि मुझे मिल्क से मुझे नहीं जमता है तो उसको हम राइस प्रोटीन और पी प्रोटीन। लेकिन राइस प्रोटीन पी प्रोटीन अपना प्रोटीन नहीं है, अपना प्रोडक्ट नहीं है, सो उसमें हम डिस्काउंट नहीं मिल सकता, उसको मार्केट में जो रेट है वही उसको लेना। अदरवाइज सोया है ना, सो दैट इज आई डोंट गो फॉर दैट। अगर नहीं उसको उसको कोई प्रॉब्लम है मिल्क से तो क्या करेंगे, रॉ पी प्रोटीन खाने से नहीं वो उसका प्रोडक्ट में नहीं है क्या, जो आप वो जिसका जो आप उसका नाम में भूल गई जिसका आपने वो विटामिन डी का टैबलेट का नहीं उनका भी कंबाइन विद सोया, लेकिन इन रो है ना उनका पी प्रोटीन पी है बट रॉ पी प्रोटीन नहीं है। अगर मिलो तो ठीक है, मिला तो ठीक है, अदरवाइज मतलब उस पर चर्चा मत करो। पॉइंट ये है कि उसमें फाइबर ज्यादा है, ध्यान में रखो, पी प्रोटीन और राइस प्रोटीन में फाइबर ज्यादा है। पी में जो आपका पल्सेस पसना बन गया, पी में जो आटा ना आटा ना, और वे प्रोटीन में फाइबर नहीं है तो उसका फर्क पड़ता है। एक बात, दूसरी बात, राइस प्रोटीन और पी प्रोटीन जो है ना वो तुम चपाती में डाल सकते हो, खाने का कैसा चपाती में डाल सकते हो, वे प्रोटीन चपाती में डालने से आटे में, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आई लेट सही लेकिन कल दोपहर को मैंने खुद ही पोस्ट की थी, कितने लोगों ने पढ़ी वो खुद लिंक बहुत ही सुंदर है वो, ठीक है मैंने पढ़ी है। मैं इसके बारे में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या डाइजेशन के बारे में बहुत अहम है क्योंकि हम खाना खाते हैं लेकिन डाइजेशन होना, एब्सॉर्ब होना, एसिमिलेट होना ये आगे की कड़ी है, तो उसमें अगर गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। किसने कुछ पढ़ा है, मैंने जो डाइजेशन सिस्टम अपना जो दिया है उसमें भी इसने पढ़ा है, ये सब माफी, इस ग्रुप को माफी है, आगे वाले ग्रुप को माफी नहीं है। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा डाइजेशन सिस्टम या डाइजेशन के बारे में। तिकड़े जा रूम मध्ये तिकड़े आपण जा ना बाटली घेऊन दोन बाटले घेऊन निघाल मैं ठीक आहे। डाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू डाइजेस्ट, क्या जरूरी है डाइजेस्ट होने के, क्यों डाइजेस्ट करते हैं। आपके सामने गेहूं की रोटी रखी है, चावल की रोटी रखी है, बाजरे की रोटी रखी है, वो डाइजेस्ट होने का क्या जरूरी है, हमारा शरीर वो एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। सो टू मेक इट इन पॉइंट लिखो, पहला इंपॉर्टेंट ऑफ डाइजेशन क्या है, वो एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए फूड बेसिकली, सो कन्वर्टिंग द फूड इन एब्सॉर्बेबल फॉर्म। अगर आप वो सारे वीडियोस देखो ना तो आप दिमाग घूमेगा आपका, सारे शरीर में सिर्फ जोड़ तोड़ चल रही है, कुछ नहीं है भाई, उसको तोड़ो और अलग ढंग से जोड़ो, बस दैट्स ऑल। अब मुझे लगता है काहे को दुनिया बनाई ना, दुनिया बनाने वाले इतनी जोड़ तोड़ करने की क्या जरूरत है, इससे सिंपल सिस्टम परमात्मा नहीं बना सकता कह रहा था, क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम करके रखी है, और वो सिस्टम ना क्या कहें उसको, विजडम है कहूं तो भी मुश्किल है, उसको विजडम नहीं है कहूं तो भी मुश्किल है, ये सब ना सिस्टम ब्लाइंडली चलती है। विजडम है बॉडी को लेकिन बॉडी को ना ब्लाइंड विजडम है, वो
मतलब कोई जो एंजाइम रहते हैं ना उनका काम क्या है, बस फैसिलिटेट करो वो जो प्रक्रिया है, तो फैसिलिटेट करो। क्यों फैसिलिटेट करो, उसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, सबका भला हो नहीं। सो सारी प्रक्रिया देखोगे तो इट इज नॉट कंसर्न विद गुड एंड बैड एंड राइट एंड रॉन्ग एंड हिंदू एंड मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एंड पारसी। पॉलीसेक्रेड आते हैं, फलाना है, कभी अमाइरेज काम करेगा, फैट होगा तो लाइपेज काम करेगा, ये होगा तो वो काम करेगा, वो तोड़ेंगे। एंजाइम्स को ये विक्टिम है कि कल्प्रिट है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके शरीर में जो भी घटता है ना उसका अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं। चोरी करने वाला जिसके घर में चोरी हुई, दोनों का डाइजेशन एक ही तरह से चलता है। तो सारी सिस्टम इज अ ब्लाइंड। फिर ये तोड़ना और जोड़ना, व्हाट इज चयापचय बोलते हैं ना, चय आणि अपचय असे मराठी दोन शब्द आहेत। एनाबॉलिज्म आणि कॅटाबॉलिज्म, इसको जोड़े तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात देखो, वो इसको ये, इसको तुम मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलेंगे, इसको तुम फलाना ग्लैंड, इसको पैंक्रियास बोलेंगे, वो तो आपको मिलेगा, वो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हम अब जैसे कि रोगों के बारे में मैंने कहा कि जो भी रोग है, किसी भी ऑर्गन का रोग है, हम हमारी दृष्टि से उस रोगों को देखेंगे, मेन स्ट्रीम की दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो सारे जो ग्रंथि है, आंख के ग्रंथि, कान के ग्रंथि, लार ग्रंथि, पेट के ग्रंथि, जो भी है, इनमें जो सारी रासायनिक प्रक्रिया रहती है, तो वो लिख लो, वो पीएच डिपेंडेंट है। अपनी दृष्टि से देखना है ना, पीएच डिपेंडेंट ग्लैंड्स, सारी रासायनिक प्रक्रियाएं जो है, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर पीएच डिपेंडेंट। अपनी दृष्टि से देखना, तो जोड़ना भी पीएच डिपेंडेंट है और तोड़ना भी पीएच डिपेंडेंट है। ये देखो, जोड़ना भी पीएच डिपेंडेंट है, तोड़ना भी पीएच डिपेंडेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि अपने शरीर में कुछ भी हो सकता है, मतलब आवर बॉडी इज सो इंट्रिकेट बोलो, सो कॉम्प्लिकेट बोलो, मेटिक्यूरस बोलो, किसी भी चीज से, किसी भी चीज को जोड़ के कुछ भी बना सकती है वो, इतनी भयंकर क्षमता है बॉडी की, अमर्याद क्षमता है। आप अगर देखो ना, उसमें ये डालो तो वो बन जाएगा, उसमें ये निकालो वो बन जाएगा, उसमें वो डालो वो बन जाता है, इसमें ये डालो, कहीं से कुछ भी तैयार हो जाए बॉडी में। तो मिरेक्युलस सिस्टम है अपनी बॉडी, लेकिन वो लाचार है मिरेक्युलस होने के बाद भी। क्यों लाचार है? क्यों? हम खाने पीने में जो गलती करती है ना, वो सारी सिस्टम को बीच में टांग अड़ाती है। सिस्टम अच्छी है लेकिन अपनी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो बीच में टांग अड़ा दी। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी वो बहुत सारी प्रक्रिया में को एंजाइम के रूप में काम करता है। ये देखो, विटामिन बी वर्क्स एज को एंजाइम। तो सारे सारा सेटअप होने के बाद भी अगर वो कोएंजाइम नहीं है तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, वहां से प्रॉब्लम। हमको डाइजेशन को इस दृष्टि से देखना है कि समस्या कहां होने वाली है, और हमको न्यूट्रिशन की दृष्टि से उसमें क्या देखना है, बाकी डाइजेशन क्या होता है बात अलग है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास कोई कंप्लेंट लेके आता है तो हमको उसके डाइजेशन के बारे में पहले सोचना है,
और अगर उसके खाने पीने में बी विटामिन की कमी है तो आगे जाके बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं वो पूर्ण नहीं होगी। अब ये कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है उसकी सूची आप जब वो पूरे वीडियोस पढ़ोगे ना तब मालूम पड़ेगा कि बी विटामिन कहाँ आता है। पर्टिकुलर में रिबोफ्लेविन करके एक बी विटामिन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोएंजाइम के रूप में काम करता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में उसका रोल है। रिबोफ्लेविन नाम लिख लो तुम। अब रिबोफ्लेविन किस में मिलेगा ये तुम क्वेश्चन मार्क करो, मेरे बुक में दिया है मैंने रिबोफ्लेविन किस में मिलेगा वो आप देख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आता है बोला मेरे को डाइजेशन नहीं होता, मेरे को खाना खाने के बाद अच्छा नहीं लगता, हेवी लगता है, मतलब उसकी रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन ये जो रिबोफ्लेविन है ना वो शरीर के अंदर काम करता है, मतलब पेशी में काम करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं। फिर अगर कोई करता है तो उसको रिबोफ्लेविन को मत जोड़ो, फिर उसको जोड़ने का HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉर्मली जो पचन नहीं होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ढंग से सिक्रीट नहीं होता है, उसके लिए पचन नहीं होता है नॉर्मल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे तैयार होता है शरीर में, प्रोटीन से। तो देखो उसका प्रोटीन का इंटेक पूरा है। प्रोटीन इंटेक अगर पूरा नहीं है उसका तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार नहीं होगा, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार नहीं होगा तो प्रोटीन्स पचेंगे नहीं, प्रोटीन पचेंगे नहीं तो उसको इंडाइजेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा, एसिडिटी होगी, और हम डाइजिन दोगे शीतली शीतकारी करो बोले तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब वो बोलेगा सर मेरे को प्रोटीन पचता नहीं है, तो हम कैसे बढ़ाए, कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ ना, प्रोटीन पचता नहीं है और आप प्रोटीन बढ़ाने के लिए बोल रहे हो, तो क्या करोगे उसका, ये प्रोटीन रिफाइंड बरोबर है, रिफाइंड प्रोटीन से शुरुआत करो, करेक्ट। आयरा तुम्ही पार्ट 2 मध्ये पण पुढे आला तुम्ही, यू आर नॉट ओनली इन पार्ट 1, हे पार्ट 2। देखो टेक्निकली डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, कितने उसमें लूप्स है, क्या है, वो तो अपने दृष्टि में वो जरूरी नहीं समझना, हमारा एंगल अलग है समझने का, वो थोड़ा सा है लेकिन वो समझे तो बात हो गई, बाकी तो सब एनाटॉमी आपको मिलेगी नेट पर। रिफाइंड प्रोटीन शुरू करो, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पॉइंट लिख लो, डाइजेशन के बारे में, जैसे कि उसने कहा ना अभी डॉक्टर बोलता है पनीर खाओगे तो इसका फलाना होगा डंका होगा, तो कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ता है तो बढ़ने दो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर वो डर गया है तो उसका डर निकालने के लिए उसका कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर बोलते हैं घी मत खाओ, क्यों, घी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे का जो येलो पार्ट है वो मत खाओ, क्यों, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एक बात ध्यान में रखो, जितना कोलेस्ट्रॉल तुम खाते हो उसमें से ऑलमोस्ट 50% कोलेस्ट्रॉल संडास के थ्रू बाहर जाता है, इट इज नॉट एब्सॉर्ब एट ऑल। सिर्फ 50% कोलेस्ट्रॉल का ही डाइजेशन होता है। एक तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाते नहीं हम, घी कितना खाओगे, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तुझे कोलेस्ट्रॉल जास्त है ना, कितनी घी खाते उसको, चमचा दो चमचा, अगर दो चम्मच घी खाओ तो उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना होगा, हेलो उसमें फैट्स है, सारा कोलेस्ट्रॉल नहीं है घी में, फैट्स है, उसमें 23% कोलेस्ट्रॉल रहेगा, मतलब दो चम्मच मतलब मान लो 20 ग्राम, 20 ग्राम का 23%, उसमें से 50% संडा से निकल जाएगा तो जाएगा कितना उसके पेट में। तो कोलेस्ट्रॉल रिच वस्तु खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है
ये जब कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो ये ध्यान में रखो 50% कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट ही नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, ये जो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं हम, उसकी यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है वो, क्या लगता है आपको? विच जॉइंट्स एंड सेल ब्रेन सेल्स जो है ना, उसका जो कवर होता है उसके ब्रेन सेल में सारे सेल कवर के लिए यूज होता है कोलेस्ट्रॉल। और बाइल, बाइल, बाइल और कोलेस्ट्रॉल मान लो एक ही सिक्के के दो साइड्स है। लिखो बाइल, तीसरा और कोलेस्ट्रॉल का क्या है, रिपेयर ऑफ एंडोथेलियल जो डैमेज होता है, रिपेयर कितने वो अटक कर देता है। डी विटामिन जो है ना, डी विटामिन वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और मेल फीमेल हार्मोन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, प्रोजेस्टेरोन आणि एस्ट्रोजन, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए। ये खराब नहीं है, एंडोथेलियम खराब होने की वजह से या एपिथेलियल खराब होने की, जो भी करते हैं तो अंदर की जो परत है वो खराब होने की बात वो अटकता है, लेकिन वो बहुत काम की वस्तु है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते हैं तो ग्लूकोज से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है, बात लिखो। ग्लूकोज इज अ सिंगल यूनिट, शक्कर इज अ डबल यूनिट, डाइसैकेराइड, उसमें फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है, वो बाद में ब्रेक होता है शरीर में जाने के बाद, फिर उसमें से ग्लूकोज मिलेगा वो डायरेक्टली मिलेगा ना, विदाउट न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मेरी दृष्टि में शक्कर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कार्ब्स, पर कार्ब्स मध्ये सुद्धा साखरेला जास्ती मी दोष देतो, लेकिन क्या आपको एक बात ध्यान में आ रही है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है शरीर में? लीवर और एवरी सेल ऑफ योर बॉडी सिंथेसाइजेस कोलेस्ट्रॉल, सारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल तैयार होता है। लीवर में होता है, ज्यादा होता है, लेकिन एवरी सेल इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग कोलेस्ट्रॉल। पहले तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ ध्यान देना ही है तो शक्कर कम करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल रिच फूड कम करो जरूरत नहीं है, वो खा सकते हो। दोन तीन तो खर सहज खाऊ शकते, मैं 8-8 दादा खातो, पानी इज नॉट डाइजेस्टेड, ये ध्यान में रखो, पानी इज एब्सॉर्ब, पानी का डाइजेशन नहीं होता, इसलिए जब हम एक्वा का अपना वो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अल्कलाइन पानी खाने के साथ क्यों नहीं खाने का, क्योंकि स्टमक में एसिडिक क्लाइमेट है, और अगर हम हाइड्रोजन का पानी पीते हैं तो एसिडिक क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा और पचन में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए जब खाने के समय पानी पीना है तो नॉर्मल पीएच का पानी पीना है। और जो मैंने एक एक घंटे में पानी पीने को कहा है, हर घंटे में 150 ml,
वो सारा पानी हम हाइड्रोजन का पी सकते अल्कली वाटर हम पी सकते अल्कलाइन पानी कभी भी खाने के साथ नहीं। खाना होने के बाद दो घंटे के बाद और खाना खाने के पहले पी सकते हो। अल्कलाइन पानी पीने का खाना खाने का जो समय है वो छोड़ के जितना सारा समय उसी समय आप अल्कलाइन पानी पी सकते हो। उसी समय भी आप नॉर्मल पानी पियोगे तो अल्कलाइन पानी पियोगे कब? अगर अल्कलाइन पानी पीना है तो पियोगे कब? वो खाना खाने के समय माधोदशी पीने नहीं देगा और खाना खाने के बाद तुम पियोगे नहीं तो फिर अल्कलाइन पानी पियेंगे जब खाना नहीं खाते तब पीने। वो सारा मैंने पढ़ा है और सुना है, मतलब डेढ़ घंटे का वो है टॉप बस याद कर रहा हूँ और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा है क्या उसका? बाइल कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर। गॉल ब्लैडर में मुंह उसका बंद रहता है। गॉल ब्लैडर का कब खुलता है मुंह उसका? क्या घटना पेट में होने के बाद वो मुंह खुलता है? एक कोलेसिस्टोक्निन करके रसायन तैयार होता है पेट में, CCK नाम उसका। वो जाके गॉल ब्लैडर को बोलता है दरवाजा खोलो। वो बोलने के बाद वो दरवाजा खुलता है और वो बाइल, बाइल अल्कली है ये मालूम है तुमको? क्यों अल्कली है? क्योंकि पहला जो खाना आया हुआ है वो एसिडिक है तो उसकी एसिडिटी कम करने के लिए भाई अल्कली होता है और वो उसका न्यूट्रलाइज करता है। ये सीसी के कब तैयार होता है? सीसी के उसको बोलता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन सीसी के तैयार कब होता है? तुम्हारे खाने में अगर फैट है तो ही सीसी के तैयार होता है। तुम्हारे खाने में अगर फैट है तो ही सीसी के तैयार होता है। जब उसका मुंह नहीं खुलता है वो अंदर ही पड़ा रहता है तो स्टोन होने की संभावना ज्यादा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या इन्फरेंस है? दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर अटका रहेगा, सीसी के नहीं होगा। हाँ, तो खाने पीने में पर्याप्त मात्रा में फैट होनी चाहिए तब ये प्रक्रिया घटेगी। तो स्टोन होने की संभावना है, गॉल स्टोन होने के बाद डिसॉल्व कैसे करेंगे वो ये समझ दे। पहले अच्छे से तुम घी में करो, खाओ पियो ऐश करो तो कॉस्टम होगा ही नहीं। एक बात। दूसरी बात है, जब कोलेस्ट्रॉल बाइल में कन्वर्ट होता है, बाइल खाने पर पड़ता है, ये बाइल का आगे क्या होता है? बाइल की प्रक्रिया होती है, बाइल के दो तीन इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, वो तो मालूम पड़ेगा तुमको क्या है, लेकिन आगे क्या? बाइल रीअब्सॉर्ब होता है। ये ध्यान में रखो, ये सर्क्यूलेट होता है, बॉडी रीअब्सॉर्ब करती है बाइल को और उस बाइल का फिर से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्जन होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है? नॉट यूटिलाइज्ड।
कि रिलीज होने के बाद नहीं, रिलीज होने के बाद सारा यूटिलाइज होता ही नहीं है। एक्टिवेट होता है पर सारा अगर यूटिलाइज नहीं होता है तो बचा हुआ बॉडी, जैसे तुम पानी पीते हो तो मोटा अतर बड़ा इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें से पानी अब्सॉर्ब होता है अंदर। ये जो सारा सिक्रीशंस आता है वो भी पानी होता है ना उसमें, बाइल सॉल्ट जो बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, 80% पानी होता है उसमें। तो ये जो पानी फिर से सर्क्यूलेट होता है तो बॉडी सर्क्यूलेट दैट, तो वैसे बॉडी बाइल भी सर्क्यूलेट करती है। अगर किसको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो एक बात है शुगर नहीं खाने का, तो कोलेस्ट्रॉल की निर्मिति नहीं होगी, और दूसरा उसको जूस पीने को बोलते हैं, वेजिटेबल जूस। तो वेजिटेबल जूस में जो सोल्यूबल फाइबर है ना, वो सोल्यूबल फाइबर ये जो एक्सेस बाइल जो बॉडी एब्सॉर्ब करती है वो पकड़ के रखता है, और उसके ग्लोबुल बड़ा बड़ा गोला बनता है, वो अंदर एब्सॉर्ब नहीं होता है, वो फेस से निकल जाता है। देखो बाइल रीअब्सॉर्ब होता है और उसका रीअब्सॉर्ब बाइल का कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्जन होता है। अगर बाइल रीअब्सॉर्ब न हो तो क्या करना पड़ेगा, वो जो फाइबर है वो फाइबर अगर बाइल को पकड़ता है तो दोनों की जो जोड़ी बनती है ना, वो जोड़ी वो जो कैपिलरी से एब्सॉर्प्शन होता है ना, उसमें वो क्रॉस थ्रू नहीं जा सकती जोड़ी, वो सिंगल जाएगा, वो जोड़ी नहीं जा सकती, फिर जोड़ी नहीं जाती है तो निकल जाती है। तो वेजिटेबल जूस ही चाहिए या सलाद भी चले, तो बात है उसमें। इसके लिए जो सेल्यूलोज मतलब नॉन सोल्यूबल फाइबर जो है ना, और सोल्यूबल फाइबर है, दोनों काम करेगा डाइजेशन के लिए, लेकिन जूस में प्रमाण ज्यादा होता है नॉन सोल्यूबल, क्योंकि ज्यादा जूस पीते हैं ना, एक ग्लास जूस के लिए कितना गाजर खाओगे, फिल्टर के अंदर रिमूव कर दो ना रेफ्रिज, सोल्यूबल फाइबर से कोटेड रेफ्रिज ना, सोल्यूबल फाइबर सोल्यूबल फाइबर है, नॉन सोल्यूबल दोनों में आता है। लेकिन तुम आधा किलो गाजर लोगे तो एक ग्लास जूस बनेगा, आधा किलो गाजर थोड़ी खाओगे, एक ग्लास जूस में जितना सोल्यूबल फाइबर मिलेगा वो अगर तुमको चाहिए तो इतना गाजर थोड़ी खा सके, सैलेड मधून एवढा खाऊ शकणार नाही ना आपण। सो जूस कितने सारे मेरे पेशेंट है, मात्र उनको जूस देना शुरू किया मैंने, एक मिनट, और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्रॉप होना शुरू हो, क्योंकि उतना गाजर खाओ खा नहीं सकते। आई गो टू गाजर वाला एंड आई गेट दैट जूस, कितना गाजर डालता है मशीन में, तब जाके कोई 200 ml का ग्लास बनता है। तो उतना अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो तू लक्षण थे, शक्कर कम करो, कार्ब कम करो, एक बार जूस पीना शुरू करो। आपने जो बताया ना, तो मेरी बीमारी के बाद सबको कार्ब खाना ज्यादा हो गया था, क्योंकि जूस तो मैं तो थी नहीं, तो मेरी मदर इन लॉ का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो रिपोर्ट आया तो तभी तो मेरा 3 महीने में मैं ठीक हुई थी, तो मैंने बोला अभी कंपल्सरी टू एवरीबॉडी हैज टू ड्रिंक वेजिटेबल जूस। 2 महीने के बाद डॉक्टर को वापस दिखाने गए तो वापस रिपोर्ट निकला, डॉक्टर सरप्राइज 85 ईयर्स में इतना कोलेस्ट्रॉल वापस कम हो सकता है। अरे पर्टिक्युलरली तिची मदर इन लॉ लक्षात ठेव, म्हणजे पुन्हा रिलेशन पण बघा, मदर होती तो बात अलग है, मदर इन लॉ को एनरोल करना आसान बात नहीं है, और 85 ईयर ओल्ड उनके आइडियाज भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिक्स्ड आइडियाज है। नहीं वो पहले से तो नहीं, बट शी इज वेरी कोऑपरेटिव, उसकी मदर इन लॉ बहुत एक्सेप्शनल है, तो क्रेडिट उसको ज्यादा नहीं जाता है, उसको ज्यादा जाता है, बिकॉज़ आई हैव मेड दैट लेडी, इससे ज्यादा वो डायनामिक है, जस्मीना से 10 गुना ज्यादा डायनामिक है, एनर्जेटिक है, और अभी भी उसको काम करने का ना, वो उसको बोल भी, तुझा कहीं जाना है तुमको, मैं कर लूंगी, भयंकर डायनामिक भाई है, 80 वर्षाची भाई है, पण काय खणखणीत काम करते, इतना सिंपल। देखो वो अभी ऐसा बोलो, फिर वो स्टैटिन क्या करेगा, फिर अगर स्टैटिन गोली से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तुमको मालूम है स्टैटिन कैसे कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ये आइडिया उसको तो मालूम होगा, हाउ स्टैटिन हेल्प्स टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल।
आपको डाइजेशन मालूम पड़ेगा ना, तो सब मालूम पड़ेगा उसमें पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। वो ना एक जो इंटरमीडिएट स्टेप रहती है ना, वो ब्लॉक करता है वो स्टेप, इट डजंट अलाउ टू हैपन प्रोसेस। एक कड़ी रहती है ना, इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसके, तो बीच में एक टांग उड़ाता है। इतना करने से बाइक को तुम अगर जूस पीने का तो मजा है, उसमें थोड़ा तुम अवड़ा डालो, उसे पुदीना डालो और थोड़ा उसमें छाछू करके टेस्टी करके पियो, तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ, पेट भी भर गया। पर कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन यू गेट फ्रॉम मिनरल्स आणि एन्झाइम्स किती मिळतात, त्याला एक्झो एन्झाइम्स म्हणतो आपण। स्लो ज्यूस बाजारात मिळतात आता, स्लो ज्यूस घ्या, थोडे कॉस्टली असतात ते, वो डिस्टर्ब होते हैं उसका, ऐसे मिलते हैं वो 43 RPM। स्लो जूसर भी बाजार में मिलते हैं आजकल, बहुत ही धीरे धीरे एक्शन रिप्ले जैसा वो करते हैं। अगर तुमको है समय, देखो मेरा सारा काम फास्ट जूसर पे हो चुका है, तो आप ज्यादा स्लो जूसर के झंझट में मत पड़ो, लेकिन दूसरा ऑप्शन है। हाँ नहीं तो महाता नहीं है जूस स्लो करा के फास्ट तुमच्यावर नाही नाही, पण हाताचा म्हणजे त्याच्यात पण मशीन वरती ते आरपीएम किती 1600 RPM असतं ना त्याचं, ते मशीन वर पण ठीक आहे, तुम्हाला काम हो जाएगा। गाजर वगैरे कडक असतं ना, ते हाताने मला, तो सी दिस इज एग्जांपल, ये आपको बाकी वो लाइपेज क्या करता है, लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, वो तो बड़ी स्टोरी है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे काम के दृष्टि से तुमको डिसीजन क्या लेना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। आई टेल यू, व्हेन एक घंटा तुम पढ़ोगे ना, हमारे काम के बाद 5 ही पॉइंट उसमें मिलेगा, लेकिन वो 5 पॉइंट तुम सुन के लिखो, इसलिए तुमको घंटे भर का वो देखना पड़ेगा। लेकिन आप पूरी बात समझो तो अच्छी है, मतलब यू नो इन टोटैलिटी कि आप कोई आपके डिस्कस कर रहा है आपसे कि क्या होता है क्या होता है, आपको यथार्थ रूप से उसको समझाना चाहिए। लेकिन अपना एंगल पहले से नहीं कह रहा हूँ, किसी भी रोग के बारे में चर्चा करता हूँ, मैं रोग के बारे में चर्चा नहीं करता, 7.4 का एंगल क्या है उस पर ज्यादा जोर है। फ्रूट जूस का भी सेम इफेक्ट आएगा ना कोलेस्ट्रॉल, फ्रूट जूस इज डिजास्ट्रस, इतनी फ्रुक्टोज जाएगी कि जो